हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग KGN इंडिया न्यूज एंड माई सेल्फ मानसी अरोड़ा। आज हम आपके सामने फिर लेकर आए हैं जमीनी हकीकत और प्रशासन का क्या कहना है इसके बारे में। जब मंत्री जी से पूछा गया कि देखिए क्या हालत है, मरीज किस हालत में है और क्या ऑक्सीजन सिलेंडर हर चीज चुस्त दुरुस्त है या नहीं, तो मंत्री जी से जब एक क्वेश्चन किया गया, जो हमने पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन रेस किया था कि सबसे ज्यादा जो अटेंडेंट है वो परेशान है कि उसके मरीज का प्रॉपरली टेक केयर हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बारे में हमने प्रॉपरली क्वेश्चन रेस किया था। तो मंत्री जी का कहना है, और जब हमारे संवाददाता ने बात बोली कि क्या अटेंडेंट को ये हक नहीं है कि वो आकर ये क्वेश्चन पूछे कि उसके मरीज ने प्रॉपरली खाना खाया है या नहीं खाया, तो इसमें सुनिए नेताजी ने क्या कहा। लेकिन सर, मरीजों का ये कहना है, उनके तीमारदारों का, कि एक हमारा आदमी अगर आइसोलेशन या कोविड में हो जिससे हमें संतुष्टि मिले इलाज कैसा हो रहा है, इसलिए मरने के बाद लोग हंगामा करते हैं, परिजन इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, एक बात जो इन बातों का जवाब तो नहीं दिया जा सकता कि जब कोई व्यक्ति सही असलियत जाने और उसके बाद कोई बात करे तब तो ठीक है, तर्क संगत में बात करे तब समझ में आता है। लेकिन मैं मरीजों से साक्षात्कार करके आया, स्वयं मरीजों से मिल के आया, उनकी अपनी बयानी सुन के आया, उनका बयान लेके आया, उन लोगों में एक संतुष्टि का भाव है। और अगर आप चाहो तो आप पीपी के पहले चलो, हम आपको सुनवा दें। पे आगे सुनिए कि मंत्री जी ने क्या कहा कि उन्होंने दोनों जगह जाकर देखा है, आइसोलेशन वार्ड में भी और आईसीयू में, एवरीथिंग इज ऑल राइट। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो भी हम आपको अपनी वीडियो में दिखाएंगे। क्या सिर्फ एक पद का फायदा उठाने वाली बात है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं? देखिए मंत्री जी ने क्या कहा। मंत्री जी का कहना है कि जो लोग अंदर हैं वो मेडिकल फैसिलिटी से हर तरीके से बहुत खुश हैं। आप चाहें तो आप भी पीपी किट पहनिए और आइए, आप हमारे साथ अंदर आकर देख सकते हैं। लेकिन जब मीडिया ने अंदर जाने की कोशिश करी तो जिलाधिकारी ने क्यों रोका, क्यों कहा आप लोग यहीं रह जाइए? आप चाहें तो वीडियो में साफ दे सकते हैं। अब आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है, यहीं रुको प्लीज, आप लोग रहने दीजिए, उसके आगे बताओ, ठीक है? आपको शेयर कर लेगा। मंत्री जी के हिसाब से सब चीज चुस्त दुरुस्त है। According to him, everything is all right. But what the fact is, now we have to give you the video and I wanted to show you the video, what is exactly the fact is. आइए अब हम आपको दिखाते हैं जमीनी हकीकत की वीडियोस भी। आपके पापा जी बात हुई थी, तो क्या बात हुई थी? पापा से हमारी जब बात हुई तो पापा बोले भैया कहाँ हो? मैंने कहा पापा यहीं बाहर हैं। तो वो बोले भैया जल्दी आ जाओ, हम खत्म होने वाले। हमने कहा क्यों पापा, अंदर कोई है नहीं देखने वाला, कंपाउंडर वोडर या सिस्टर इतने रहते हैं? तो बोले यहाँ पे भैया कोई नहीं दिख रहा है। तो मैं वहाँ गया, क्या नाम, डॉक्टर से मिला, तो डॉक्टर ने हमें नीचे भगा दिया, उनसे मिलने भी नहीं दिया। तो एक चपरासी था, उसने बोला हम आपकी भैया वीडियो कॉल कराएंगे। तो मेरे फ़ोन से उसने फ़ोन कनेक्ट किया, उसका नंबर भी मेरे पास है, कनेक्ट करके वो बात कराने के लिए जब अंदर पहुंचा, जैसे ही पापा के बेड पे पहुंचा, उसने क्या नाम फ़ोन कट कर दिया, बोला डॉक्टर साहब मना करें। तो मैंने कहा मुझे बेड नंबर बता दो कौन से माले पे हैं, एक पे हैं, दो पे हैं, बेड नंबर बताओ। एक कुछ भी नहीं बताया, बोले तुम जान के क्या करोगे, डॉक्टर हो तो घर पे क्यों नहीं केयर की, होते कौन हो क्या है? मैंने कहा मेरा पेशेंट मैं हूँ, क्यों नहीं ऐसे बात करते रहे? उन लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं मानी, ना ही मुझे एक कुछ भी कहने का मौका दिया। मुझे इतनी भी संतुष्टि नहीं दी कि मैं अपने पेशेंट को देख पाऊँ या बोल पाऊँ उससे कि पापा तबीयत कैसी है, कुछ खाया है या नहीं खाया है। वो उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बोला कि मैं भैया खाना नहीं खा पा रहा हूँ, वहाँ से रखा बहुत है। डॉक्टर को मैंने बोला, डॉक्टर बोला तो अंदर जाना अलाउ नहीं है, किड नहीं है, किड नहीं है, किड ला के दो या तो एक को अंदर एडजस्ट करो उसको। अब आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि क्या कहा। उसे कहा कि मैंने बहुत बार फोन ट्राई किया, कोशिश करा कि किसी तरीके से वो अपने पापा से बात कर सके, लेकिन जब उसे मॉर्निंग में फोन किया तो क्या बोला गया कि उसके फादर एक्सपायर हो चुके हैं। यानी कि ये है आपकी व्यवस्था, ये है आपकी सच्चाई। आप कैमरा के सामने कुछ है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और। बताइए इसका जवाब कौन देगा? यानी कि अपने ही बंदे की बॉडी को लेने के लिए अटेंडेंट इधर से उधर भटकेगा, यानी कि मोर्चरी के अंदर भी बॉडी लेने के लिए उसको 20 मिनटें करनी पड़ेंगी कि किसी तरीके से हम अपने अटेंडेंट के साथ जो हुआ है उसको बयां कर सके। ये जमीनी हकीकत है। और जब जो इंसान मर जाता है, हमारे हिंदी रीति रिवाज के अनुसार उसका प्रॉपर अंतिम संस्कार किया जाता है, तो क्या ये भी हक उससे ले लिया जाएगा? ये है जमीनी हकीकत, ये है आपकी प्रॉपर प्रोटेक्शन और ये है आपके प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज। सरकारी
आइए अब आपको हम एक और वीडियो दिखाते हैं जिसके अंदर अटेंडेंट साफ कह रहा है कि वो अपने घर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया था। जब तक ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पास जो था वो चल रहा था तब तक सब ओके था। जहां वो खत्म हुआ वहां पर बेचारे हाथ जोड़ते रह गए कि हमें किसी तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर दीजिए। क्यों? क्योंकि लड़की की ऑक्सीजन लेवल 32-35 पर जा रहा था लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं करी। ये है मंत्री जी मेडिकल फैसिलिटीज आपकी? ये आपने निरीक्षण किया? ये है जो असली सच्चाई? आइए अब हम आपको और भी वीडियो से रूबरू कराते हैं मंत्री जी की सच्चाई क्या है जो उन्होंने निरीक्षण किया और लोगों की सच्चाई क्या है। आप अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए, एक आदमी ने साफ आरोप लगाया है कि जब मॉर्निंग में उसने अपने ब्रदर से बात करी और 10 मिनट पहले उसने बोला कि ये सब कुछ ओके है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, और कुछ ही देर बाद उसका ब्रदर मृत पाया जाता है। ये है सच्चाई? आइए अब हम आपको दिखाते हैं दूसरी वीडियो जिसमें एक लड़का चीख चीख कर कह रहा है कि उसके ब्रदर को मारा गया है, बेल्टों से मारा गया है, यानी कि उसकी मृत्यु हुई है। कैसे? मार मार कर। नेचुरल डेथ नहीं, इसे मर्डर बोला जाता है। देखिए वीडियो में साफ। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी गलत लगे तो आप आइए और हमसे बात कीजिए, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है और मंत्री जी क्या बोल रहे हैं दोनों में देखिए कितना फर्क है। यानी कि आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है और आप ये बात कर रहे हैं कि आपने जो निरीक्षण किया सब कुछ ऑल राइट है। हम मानते हैं कि इस टाइम मेडिकल स्टाफ के लिए हर चीज मैनेज करना, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है, हर तरीके की फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन मंत्री जी इस बात को भी मान लीजिए कि आपकी मेडिकल फैसिलिटीज फेल है। आप जनता के बीच में से चुने गए हैं प्रतिनिधि जो आपको जनता की सेवा करनी चाहिए, ये नहीं कि आकर झूठी बातें करनी चाहिए। अगर आप मेडिकल के अंदर जाकर सच्चाई देखें, लोगों से डायरेक्ट रूबरू करिए, क्या आप चार मीडिया के सामने आकर कुछ और बयां करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत देखिए क्या है। स्वीपर देख रहे हैं, स्वीपर पत्थर से बाहर बैठी है, सबसे बड़ी मारा गया, मारा गया है, बता रहा हूँ मैं। जब उसको ले गया हूँ हम तो खुद बॉडी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। एसपी लेवल 88 था जी, एसपी हमारा पास वाला बेड है, पास वाला बेड वाला बंदा है, ये मेरे पास वाला बेड का बंदा है। 7 बजे में, अच्छा इनके पास में आपकी मम्मी थी जी। हम लोग फ्रेंड्स, आपको सिर्फ एक जमीनी हकीकत मैं बताना चाहती हूं और वो ये, इफ यू वांट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम द कोरोना देन प्लीज कीप योरसेल्फ लॉक्ड इन द हाउस, ट्राई टू वॉश योर हैंड्स अगेन एंड अगेन विद इन अ 1 आवर, वेयर योर मास्क प्रॉपरली इफ यू वांट टू टेक एनी अमेनिटीज आउटसाइड, सो प्लीज बी केयरफुल एंड इफ यू फाउंड एनीथिंग पॉजिटिव देन स्टे एट होम, आइसोलेशन खुद करिए, अपने घर पे करिए। प्लीज 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 हॉस्पिटल जाने से बेटर घर पर अपना सब घर पर अपना ध्यान रखिए, क्योंकि वहां आपकी सुनने वाला कोई नहीं। सच्चाई यही है। और फ्रेंड्स, इफ यू डोंट हैव स्टिल सब्सक्राइब आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ट्राई टू शेयर इट सो अदर पीपल विल बी अवेयर अबाउट इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग KGN India News।